भगवान आज खुश तो बहुत होंगे आप। झूठ झूठ हाथ फैला रहा है, शाद खाने के लिए। अरे आप बोले, मैं क्या तेरी एक्स हूँ? जो रिप्लाई नहीं करूंगा। ऐसे भगवान जी, मैं ना आपसे थोड़ा सा नाराज हूँ। इतना सब दिया आपने, फुकरे से शुरू करा, डॉली की डोली, दिलवाले, फुकरे रेडा, सर अब फ्राइडे के साथ में आ रहा हूँ। आपने मुझे अभी तक कॉमेडी सर्कल जाने का मौका नहीं दिया यार। मतलब ये तो गलत है ना। मेरा भी मन करता है मैं हंसू, खिलखिलाऊ, मजे करूँ, बनता है ना भगवान जी? हो जाइए गोविंदा जी के लिए। गोविंदा जी प्लीज। गोविंदा जी, मैं इतनी खुश हूँ कि आप आ गई। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वरुण, मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहूंगी कि कॉमेडी सर्कस के मंच पे पहुँच कर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहली मुलाकात आपसे हुई इसलिए और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। प्लीज अपने सीट पे बैठिए, हम शुरू करते हैं। हर इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल मिलता है, और जिसे नहीं मिलता उस जीजे को साला मिल जाता है, जो जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। ऐसा ही एक स्ट्रगलर साला अपने जीजे को कर रहा है ब्लैकमेल। तो चलिए देखते हैं जीजा साले की इस फानी जोड़ी को। प्लीज वेलकम मुबीन एस जीजा, सिद्धार्थ साला एंड करिश्मा एस हीरोइन। क्या बात है, आज कॉमेडी सर्कस के भाग्य खुल गए। गोविंदा जी आए हैं, जोरदार तालियां। अरे मेरा दोस्त भी आया है। हेलो वरुण, कैसे हो भाई? हेलो वरुण धवन। भाई हमेशा आप ही करते हो यार। मैं उस वक्त भी स्टैंड अप कॉमेडी ही करता था। सर आपका ट्रेलर देखा मैंने फ्राइडे का, कमाल है, कमाल का ट्रेलर है। वो जाएगी तो आएगी, वो आएगी तो फिर बताएगी। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी वाली जाएगी तो कंगाली आएगी। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। अभी सोचो अमीर होने के बाद मैं ऐसा दिखता हूँ, अगर कंगाल हो गया तो कैसा दिखूंगा। बेबी, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? क्या नीमन, तुमको पता नहीं मेरी पत्नी कितनी खतरनाक है। पता है मुझे तो कुछ नहीं करेगी, तुम्हारी नाक में दांत काटेगी। क्यों, तुम्हें क्यों कुछ नहीं करेगी? अरे मेरा पता है उसको, मैं क्या पैर पकड़ लूंगा, दूसरे पैर से मुझे माफ कर देगी। तुमने कहा था तुम इसे डिवोर्स दे रहे हो। हाँ देने वाला था, लेकिन अभी क्या है करवा चौथ आ रहा है, मैंने सोचा उस दिन भी कुछ ना कुछ मांगेगी, उसी दिन दे दूंगा। मजाक मत करो। मैं मजाक ना करूं, तुमसे मजाक होता नहीं, वो तीसरा फिजिकल करता है, एक्ट को गड्ढे में डाल दूं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मुझे हीरो नंबर वन मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि मेरे नसीब में ये चोरू का गुराम निकला। और तीन चार पिक्चरों के नाम ले ले गोविंदा जी के, शायद खुश हो जाए वो, क्योंकि एक्टिंग देख के तो गुस्सा आ रहा होगा उनको। छोड़ो ना ये सब, चलो आ रोमांस। वाह जीजे, क्या आइटम पटाई है, वाह। धोखेबाज आदमी, मेरी बहन को धोखा दिया इसने। अरे धोखेबाज मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो। अच्छा? हाँ, बिना दांत वाली लड़की दे दी, वो तो जब 3 घंटे तक पनीर चूसती रही तब पता चला पोपली है। अबे पोपली बहन तो दूंगा, हमें भी बोला था लड़का बड़ा बिजनेसमैन है, हमें क्या पता कुत्ते बिल्लियों की आवाजें निकालता है साला। हाँ तो आवाज तो निकालूंगा ना, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, देखा नहीं तेरा कितना ध्यान रखता हूँ। जीजे जितने तेरे ठाट बाट है ना, वो इसलिए है क्योंकि मेरी बहन करोड़पति है। करोड़पति? यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तेरी बहन को पटा लेती। अभी भी देर नहीं हूँ, तू मुझे पटा ले, मैं भी लड़की बनी लेता हूँ साड़िया पे। इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैं कहता हूँ सुपारी दे दे इसकी। अरे यार सुपारी देने की क्या जरूरत है, तेरे पास पागल का सर्टिफिकेट, तू मार दे केस भी नहीं बनेगा। ठीक है सर्टिफिकेट है तो फिर मैं 2 खून भी कर सकता हूँ ना। अरे नहीं, अब बताइए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फिल्म मिलेगा कि नहीं? या तो तू मुझे फिल्म लेके अपना हीरो साइन करेगा, नहीं तो मैं सारी बातें दीदी को बताऊंगा। शकल देखिए अपनी, सूखी झील के दरियाई घोड़े। सही बात है, सूखी झील के दरियाई। एक काम कर, फिल्म तो तेरे से होने वाली नहीं है, तू रामलीला में जटायु बन जा, फिजिकल करने को भी मिलेगा। झूठी, मैं ऐसे कब करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। Oh!
एक सेकंड गोविंदा जी, ऐसे लोग कैसे संभाल लो। सॉरी चल ठीक है फिल्म बना लूंगा तुझे लेके, लेकिन एक शर्त पे। बता। स्टोरी मेरी होगी। डन। बीवी तो स्टोरी भी बनाते हो? यस। अरे मैंने एक बार सलीम जावेद साहब को स्टोरी सुनाई थी, उन्होंने दो सीन सुनकर ही कहे हम तेरे साथ हैं, जहाँ कहेगा वहाँ तेरा इलाज करवाएंगे। क्या? राज, साले अपनी कहानी में मेरी कहानी घुस रहा। अच्छा ठीक है, बकवास नहीं कर, चल स्टोरी सुनाते फिल्म की। ठीक है, फिल्म का पहला सीन है। हाँ? फिल्म का टाइटल क्या है? अरे बायोपिक है तेरी। मेरी बायोपिक? हाँ। जीजा, I love you जी। यार मेरा I love you यार। मैं कह रहा हूँ अगर तूने मेरा काम ये कर दिया जीजा। मेरा काम करके अपना काम किया जा रहा है, इसका क्या? स्टोरी बताओ ना। अच्छा ठीक है, स्टोरी बनाता। सुन, फिल्म का टाइटल है आजाद हुआ पागल। क्या टाइटल हुआ बे? आजाद हुआ पागल। टाइटल को छोड़, कहानी सुन। कहानी कमाल का सीन है, बेड पे तू लेटा हुआ है। मेरे साथ बेड पे लेटा हुआ है, तभी वॉइस ओवर आता है, ये मुकेश है, इसने एक साल गुटका चबाया, फिर गुटके ने इसको चबाया। मुझे नहीं लेटा इसके साथ। ठीक, तेरे को बताऊं ना? बताऊं साले, जीजा इज्जत कर रहा हूँ, मान नहीं रहा। तेरी एंट्री होती फिल्म में, ठीक है, बारहवें माले पे खड़ा है सुपरमैन की तरह, तू छलांग मारता है, नीचे तेरी लाश पड़ी है। पहले सीन में एंट्री देके एग्जिट करा रहा है, हट। अरे नहीं, पुनर्जन्म वाली पिक्चर है यार, पुनर्जन्म होता है, है। हाँ, पुनर्जन्म हुआ है तेरा। ये क्या कर रहा है? हीरो क्या कर रहा है? अच्छा छोटा है, चले भी नहीं क्या? हीरो घर पे आ रहा है। हीरो घर पे आ रहा है, तभी हीरो के कदमों की आवाज आती है, टक टन टक टन। अबे टन टन क्या आ रहा है? अरे वो खिड़की से कूद के आया ना, लोटा फंस गया उसके पैर में, तो अब चल रहा है तो आवाज आ रही है। बेबी, कोई रोमांटिक सीन नहीं है क्या? अरे रोमांटिक तुम हो तो बना लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, देखो एक काम करते हैं रोमांटिक। और तुम हीरो की आंखों में आंखें डालकर बोलती हो, कब आजाद हुआ पागल? कब आजाद हुआ पागल? अभी तेरी। सुन बे, बहुत अच्छी कहानी है, फिर मैं आजाद हो जाएगा पागल, उसके बाद ऐसे लेके चप्पल घुसड़ेगा राइटर के मुंह में। आजाद हो गया पागल। इतना नहीं यार, कॉमेडी ठीक है यार, चप्पल वप्पल मुंह में डालना। अच्छा सर, ये हम लोग वैसे कॉमेडी नहीं करते ना भाई, रिहर्सल में भी बोला था ये नहीं करना। ऐसे कौन चप्पल डालता है यार, कोई तरीका मैं डालूंगा तुम्हारे मुंह में, अच्छा लगेगा तुमको, ऐसे नहीं डालना कभी, ऐसे डालो। वाओ बीवी। बता। कोई और एक्टर नहीं है? अरे एक्टर हाँ है ना, अरे बहुत सारे एक्टर हैं। तभी अजय देवगन साहब की एंट्री होती है, अजय देवगन साहब आते हैं, कहते हैं, उड़ रहा है आसमान में एक गुमनाम सा बादल, उड़ रहा है आसमान में एक गुमनाम सा बादल, खुशियां मनाओ यारो, आजाद हुआ पागल। सबकी एंट्री हो गई। अरे एक एंट्री और। एंट्री कब होगी? हमारी भी होगी, पहले पड़ोसी फरहान चाचा आते हैं, वो बोलते हैं, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हरकत ही ऐसी की है कि शर्मिंदा हो तुम। कब होगी मेरी एंट्री? तुम्हारी एंट्री है, सेट पे कभी भी आओ, कभी भी जाओ, खाना खाओ, घर लेके जाओ, जो करना है करो, तुमको क्या है यार। अब हीरो कसम खा रहा है, मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता कि अपने जीजा जी की बात, कि अपने जीजा जी की बात दीदी को नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा दीदी को? क्यों नहीं? दीदी को नहीं बताना। क्यों नहीं बताऊंगा? ये सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहा है ना तू? अब देखो पागल तो मैं हूँ, तो आजाद हुआ पागल, आजाद हुआ पागल, आजाद हुआ पागल, ये लो, आजाद आजाद हुआ।
क्या बताना चाहेंगे अर्चना जी? पहली बार ये कहने को मिल रहा है कि हंसते हंसते मेरे सर में दर्द हो गया वाकई में, और ये मैं कह रही हूँ who laughs so much in any case. What a fabulous act, Mubeen, Karishma and Siddharth, all three of you. Thank you. Sahil ji. Mubeen, Karishma, Siddharth. ये बहुत कम बोलने को मिलता है कि एक्टर जो है वो स्क्रिप्ट से बड़ा हो सकता है, और ये एक्ट ने ये प्रूव कर दिया क्या आप सब स्क्रिप्ट से बड़े थे. यू गाइस वर फैबुलस. थैंक यू सर. गोविंद जी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है इस एक्ट के लिए यार. ऐसा एक्ट, माय गॉड, बहुत हंसा मैं, बहुत हंसा. और मैं आपसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जिस तरह मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब अव्वल दर्जे का नीच आदमी है तू. Too good, you. Thank you, sir. Too good. जोरदार तालियां. हम आइए देखते हैं जीजा साला की जोड़ी ने कितने पैसे कमाए. मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 20 फेफड़ा फाड़. तो कुल मिलाकर लाखों मीटर पर आपको मिलते हैं 3,20,000. Congratulations, guys. Thank you so much. जब तक बीवी संग है जिंदगी एक जंग है. प्लीज वेलकम परितोष एस बाबलू, अनिता एस बाबलू की एक्स वाइफ एंड जाज्वी एस फिरंग. कैसा लगा मेरा डांस? किया ही नहीं. एक्चुअली क्या है ना, इस एंट्री के लिए मैंने एक हफ्ते तक डांस की प्रैक्टिस की थी. फिर डायरेक्टर ने कहा कि तू जो चल क्या रहा है वो ज्यादा रिदम में है. और अगर ठुमके की बात है तो चाहे यूपी का ठुमका हो, बिहार का हो या बंगलुरु का हो, गोविंदा जी से बढ़िया कोई नहीं मार सकता है. अरे वरुण शर्मा आए हैं, आपको देख के छोटे बच्चों की याद आती है. मैं खुद ही बच्चा हूँ भाई, है ना. लेकिन मुझे इसलिए नहीं आती है कि आप बच्चे जैसे क्यूट हैं. जब छोटे बच्चे लाल वाला जूता पहनते हैं ना तो चूचा चूचा चूचा. लाल जूता. एक बार हम छत पे सोए हुए थे, थोड़ी दूर पे हमारी साली सोई हुई थी, ठंड का मौसम था. पूरा जोक सुनाऊं कि यही मजा आ गया? ठंड का मौसम था, सोहेल भाई छत पे सोए हुए थे, थोड़ी दूर पे साली थी. मैंने कहा सरकारी लोग खटिया जाने लगे. और उसके घर वाले भी आपके फैन निकले. फिर अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, जो मुझे मारा है, जो मारा है. उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया और उधर मैं एक ही गाना गा रहा था, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना. अरे ये गोविंदा जी का गाना नहीं है. एक आदमी हॉस्पिटल में मर रहा है, इसको अपना विकिपीडिया ठीक करने की पड़ी हुई है. यहां से निकल यहां से. अच्छा गोविंदा जी, माई सेल्फ बबलू बनारसी, मैं हरकत से छिछोरा हूं और मिजाज से शायर. तो इस बात पे मैं चार लाइनें सुनाता हूं. तो अर्ज किया है, ख्वाहिशें सारी मिट चुकी हैं. वाह 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 वाह. ख्वाहिशें सारी मिट चुकी हैं, अरमान बाकी है. ऊपर ऊपर है छिछोरापन, अंदर गुलजार बाकी है. और इश्क में बिक चुका है घर और जमीनें सारी, बाप का पूरा कर्जा और आधी दुकान बाकी है. पर गोविंदा जी ये देखिए, दुकान का बंटवारा हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है. आप फ्राइडे में थिएटर आर्टिस्ट बने हैं ना, मेरा थिएटर की वजह से ब्रेकअप हुआ. एक दिन मैं एक लड़की के साथ थिएटर में था, मेरी वाइफ ने देख लिया. इतना जोर से लात मार के गई, अब तक मेरा बैक स्टेज सूजा हुआ है. चूड़ी ले लो, गोल गोल चूड़ी ले लो. अरे वो पागल की बच्ची, चूड़ी गोल ही होती है, कभी चौकोर चूड़ी सुना है? मैं चाहे गोल बेचूं, चौकोर बेचूं या फिर बलराज की शक्ल जैसा बेचूं, तुम्हें क्या? बलराज की शक्ल जैसा मतलब? बिना शेप के. सुनो, हमारा तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, बीच में बलराज को क्यों ला रही हो? अरे जब से तुमसे ब्रेकअप हुआ है ना, मुझे मर्दों से नफरत हो गई है. तो मर्दों से नफरत हुई है, उसको बीच में क्यों ला रही हो? सुनो, ज्यादा मत छींका करो, नहीं तो जैसे ये बिंदी यहाँ से आई है, ये वाली भी आ जाएगी. एक चमाट मारूंगी ना. चमाट मत मारना मुझे, वरना अगर तू मुझे यहाँ मारोगी तो यहाँ लगेगी. कितनी बुरी तुम मिमिक्री कर रहे हो ना,
गोविंदा जी यहाँ आके तुम्हें मारेंगे, फिर तुम और तुम्हारा खानदान बाबूजी करते रह जाना। मेरे खानदान के बारे में फालतू बात मत करना, तुम्हें पता है माँ बाप की इकलौती संतान हूँ मैं। पहली पिक्चर जब ऐसली निकली है तो प्रोडक्शन तो बंद ही करना पड़ा होगा ना। एक मिनट, मेरे खानदान के बारे में बता रही है, इतना तुच्छा खानदान है इसका। गोविंदा जी हम लोग बारात में गए थे, इसके बाप ने स्टार्टर की जगह पे च्युइंगम खिला दिया था। हमने कहा और खाना, तो बोला खाने की क्या जरूरत है, मुंह तो सबका चल ही रहा है। शरबत बनाया था वो, उसको शरबत कहते हैं। हाँ। बड़े से कुएं में 2 बोरा शक्कर डाल दिया था, बोला कूदो और पियो। आधे बराती डूब के मरे हैं और आधे डायबिटीज से मरे हैं। तो धोखे के ही लायक हो। क्या धोखा किया मैंने? धोखा तो तुमने किया, दुकान का ऐसा बंटवारा किया है, सामान सामान इधर आ गया है, गल्ला उधर चला गया है। एक तरफ गल्ला और दूसरी तरफ नल्ला। चल बे चल, इतनी बेताबी है, चलो। मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ, मेरा रिश्ता किसी और के साथ होने वाला है। क्या पागल लोग हैं, HD वीडियो देखा नहीं, फालतू का ऑडियो डाल दिया। हेलो, किससे शादी तय हुई है तुम्हारी? पुलिस वाले से। ओहो, 3 स्टार? 4 स्टार? नहीं नहीं, मैं एक बार 3 स्टार होटल में था, पुलिस ने रेड मारा था, बहुत मारा। इसी बात पे पुलिस वाले की 2 लाइनें याद आ रही हैं। कौन सी? ये दोनों। अरे अंग्रेजों, भारत छोड़ो हमको पकड़ो। Excuse me? मतलब देवी जी आप बताइए, आपको किस प्रकार की आवश्यकता है, वस्तुओं की बताइए, हमारे पास हर प्रकार की चीजें हैं। अंग्रेज है तो अंग्रेज है तो क्या करूं? अंग्रेजी में बात कर। अंग्रेजी आती है, बताइए अपना व्हाट डू यू वांट? Actually ना, मुझे थोड़ी खुजली है। तुझे खुजली तो है, इसीलिए इस शो में है। Shut up! कोई प्रोडक्ट है तो बताओ। ये लीजिए। इससे मेरी खुजली चली जाएगी? नहीं, इससे नाखून बड़े हो जाएंगे, आराम से खुजलाते रहना। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं ना थोड़ी सी आलसी भी हूँ। मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। ये सब करने आई नहीं है, जो सर्कस वाले कराना चाहते हैं वो इसे हो नहीं रहा है। बताइए। मुझे कुछ सामान चाहिए। कैसा सामान? शादी वादी के लिए। शादी का सामान चाहिए? अरे अपना हटो, कहाँ, यही तो था, ये लीजिए 75 किलो का दूल्हा। दूल्हा मुझे नहीं चाहिए, दूल्हा मेरे पास है। कौन है? बलराज। मैडम ये लीजिए। ये क्या है? ये जहर है मैडम। जहर क्यों? जैसे आदमी से शादी कर रही है, जहर की जरूरत पड़ेगी। He's a very good comedian, right? हाँ हाँ, सुहागरात पे भी हंसाएगा ही। तो फिर सुधार? नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्या है ना, आप भी साड़ी में रहेंगी, वो भी साड़ी में रहेगा। पूरी रात पता नहीं चलेगा कौन किसका घूंघट उठाए। छोड़ो, दूल्हा मैं ढूंढ लूंगी। हाँ। बस तुम मुझे ये बताओ कि शादी होती कैसे है? शादी का आपको पूरा प्रोसेस जानना है। हाँ। मान लीजिए मैं दूल्हा। ठीक है ठीक है। हाँ, ओके, ओके। तुम दूल्हे? जल रही हो? हाँ। तो यहाँ बैठ के हवन कुंड बन जाओ। बच्चो, बच्चो। ये देखिए, जैसे मैं दूल्हा, मैंने आपको देखा, मैंने आपकी मांग भर दी, उसके बाद मैंने आपको बरमाला डाल दिया, ये जल रही है, हमने 7 फेरे ले लिए। और नहीं तो क्या, इन्होंने 100 साल तक हम पे राज किया है, बदला लेने का टाइम आ गया है। ये हमारे चोरी वालों का झगड़ा आपको कैसा लगा? अर्चना जी आप बताइए। तुम छिचोरे भी अच्छे हो परितोष, तुम शायर भी अच्छा हो, तुम जो किरदार यहाँ करते हो गजब का करते हो। थैंक यू मैम। अनीता एंड ओजस्वी, बोथ ऑफ यू, हर एपिसोड में आप बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। थैंक यू। सहल जी, सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट एक्ट्स आई हैव सीन ऑन कॉमेडी सर्कस, अनीता, ओजस्वी, परितोष, एक सेकंड के लिए भी कोई भी पॉज नहीं था, एंड दैट्स द थिंग अबाउट कॉमेडी, ऑल यू गाइस वर फैबुलस।
कांग्रेचुलेशन. थैंक यू गोविंदा सर. मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने बेस्ट एक्ट देखा है. अरे बाप रे. अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सर. देखते हैं इस फ्लॉलेस एक्ट से आपने कितने पैसे कमाए. पारितोष, अनीता और ओजस्वी, आपको मिलती है 14 मंद मंद हंसी, 21 हाहाकार और 16 फेफड़ा फाड़. तो कुल मिलाकर लाखों मीटर पर आपको मिलते हैं 3 लाख. सेल्समैन तो हमेशा ही परेशान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्समैन को परेशान कर देते हैं. आज यहाँ एक सेल्समैन अपने सुहागरात की कर रहा है तैयारी कि तभी एक कस्टमर वाटर फिल्टर की कंप्लेंट के साथ आ जाता है करने मारा मारी. प्लीज वेलकम बलराज एज सेल्समैन, आदिति एज वाइफ एंड दिव्यांश एज बुड्ढा कस्टमर. हेलो मम्मी. ओहो मम्मी प्रणाम. मम्मी गोविंदा सर आए शूटिंग पे. सर जी आशीर्वाद दे रही हूँ, बहुत बड़ी फैन है आपकी. क्या बात करनी है मम्मी, करवा देते हैं क्या बात. नहीं नहीं अकेले नहीं है, वरुण भाई भी आए साथ में. मम्मी मम्मी गलत टाइम पे फोन काट देती, मरवाओगी मेरे को. भाई बैलेंस खत्म हो गया होगा. नहीं आपकी तो बहुत ज्यादा बड़ी फैन है, पता है उन्होंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं. फुकरे 2 तो 10 बार देखी, बट उसमें वो एक सीन है ना वो जिसमें आपके कुशन पे सांप डंक मारता है. तो भाई उसमें फिर दोस्त आके जहर निकालते. मम्मी कहते टेक्निकली सीन गलत था वो. क्यों क्यों क्यों? कहते सांप ने जहां पर डंक मारा है जहर तो सांप का निकालना चाहिए था. वैसे गोविंदा सर आए. सर मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ आपका. ऐसे फंसाया था मेरे को विपुल शाह ने कॉन्ट्रैक्ट में. कहता मैं सर जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, 6 साल का एग्रीमेंट करा लिया मेरे से. पता किस दिन पकड़े गए? एक दिन सुहेल भाई सलमान भाई साथ में खड़े, आके सुहेल भाई का ऑटोग्राफ मांग लिया. सलमान भाई कहते छोटे दाल में कुछ काला है पेपर चेक कर, तब पकड़े गए जाके. अर्चना जी मैं आपको बता दूं, हम लोग एक ही शहर से हैं दोनों. एक ही कॉलेज से पास आउट हैं. सेम कॉलेज सेम शहर सेम पढ़ाई से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए. नहीं तो 10 मिनट का स्टैंड अप करना सबके बस की बात नहीं है. अच्छा एक बात बताओ, जीके के लिए पूछ रहा हूँ आपसे. आपने दिलवाले की थी, उसमें वरुण धवन भी थे, तो कभी रोहित सर ने सेट पे ऐसे डांटा हो कि यार वरुण तू ठीक नहीं कर रहा, दोनों क्लियर करने जाते थे कि कौन से वरुण को बोल रहे हैं? नहीं हम बांट लेते थे. नहीं एक्चुअली ना हमारे यहाँ ऐसी कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है गोविंदा सर, क्योंकि डायरेक्टर साहब जब अंदर से बोलते हैं ना ओए निकम्मे सब खड़े हो जाते हैं. खैर वरुण भाई हम पंजाबी बड़े फनी होते हैं सर, हर बात में हमारे जोक निकल आता है. मैंने सुरेंद्र को एक दिन बोला, मैंने कहा भाई वो जो तुम्हारे पड़ोस में शर्मा जी रहते ना उनकी एक किडनी फेल हो गई है. कहता बड़ी बेवकूफ है दूसरी से नकल कर लेती. भाई मैं बता रहा हूँ आप सोचोगे इतनी बकवास की जा रहा है. एक्चुअली मैं ना सेल्समैन हूँ, तो हम लोगों को आदत होती है बोलने की. बोलते बोलते तो हम हैं ही झूठ बड़ा बोलते हैं, पता है. मैं बता रहा हूँ अर्चना जी हमारा बस चले ना हम तो भैंस के बछड़े के पास बैठ के बोल देते हैं बेटा हमारी कंपनी का दूध भी तेरी माँ के दूध में मिलावट आ रही है. बस भाई मेरे को एक ही बस टेंशन है, आज मेरी स्वागरात है. अजी सुनते हो जी, ले आई मैं केसर वाला दूध, दे दो ना सुहेल सर को. जानू सुहागरात मेरी है ना, उनको दूध क्यों? जानू तुम्हारा इतना लंबा स्टैंड अप सुन के थक तो वो गए होंगे ना, लाओ उसको दूध दो यार. एक बात बताओ, ये मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया तुमने? अरे लगाना जरूरी होता है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मैं तुमको बता रहा हूँ जसवी, तुम भी मांग में सिंदूर लगा के आया करो. ये पारितोष की शक्ल पे मत जाना, ऐसे ड्राइवर जैसे दिखने वाले आदमी जो होते हैं ना इनका हाथ स्टेरिंग से घूम के कब टांग पे आ जाए पता नहीं चलता. हमें क्या लेना देना, हमारी स्वागरात है, हम अपना रोमांस चालू करते हैं. जानू सुनो ना, फालतू की बातें बंद करो, मुहूर्त निकला जा रहा है. पंडित जी ने सिर्फ 11 बजे तक का टाइम दिया है. तो मैं पंडित की बीवी उधार लेके आऊंगी, मेरे को 11 बजे वापस करनी है. अरे मैं बोल रही हूँ फालतू की बातें करना बंद करो, अगर अब हम लेट हो गए ना तो 4 साल बाद का ही मुहूर्त निकलेगा फिर.
ये सुहागरा तू अपनी मिस्टेक किया कि 4 साल बाद लॉन्च होगा कॉमेडी सर्कस। जानू तुम ये सारी बातें छोड़ो, भड़को मत, आ जाओ सेल्फी लेते। जॉइंग सुहागरात विद हस्बैंड एंड 29 अदर्स। हेलो शर्मा निवास, पापा को क्यों फोन लगा रहे हो? चुप कर। ओ सर जी, बेटी को डोरेमोन दिखा के बड़ा किया आपने। वो सुहागरात के स्टेटस में 30 लोगों को टैग कर रही। वो यार गुस्सा कैसे ना करो, लोग कमेंट में घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, आप कहते गुस्सा ना करो। सुहेल भाई वेरी बैड यार, ऐसा कमेंट करते हैं। सुहेल भाई नीचे लिख रहे हैं कि 2 मिनट होल्ड करना, मैं ऑन द वे हूँ। जानू सुहागरात पति नहीं टैग करते, तुम्हें पता है कुछ कि नहीं? मेरे से पहले कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? नहीं नहीं, देखो मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। अरे मैंने तो अपनी मम्मी पापा को कहा था कि अगर आप गधे पे भी हाथ रख दोगे ना तो भी मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे क्या पता था सचमुच में गधे पे ही हाथ रख देंगे। जानू हम क्या बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुहेल भाई एग्जाम से पहले रिजल्ट आ गया। दरवाजा नहीं है का, ये कैसे घुसा आया? बेबी ये दरवाजे में से घुसते हैं, इनके लिए पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है। और देखो वैसे भी हम सेल्समैन हैं, हमारे जो चीज काम ना है हम लोग बेच देते हैं। गोविंदा सर मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई आदमी को 4 कंधों पे लेकर जा रहा हो ना, हम बुड्ढे के मुंह से 32 ही निकाल लेते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि अभी किसी के काम आ जाए, उसने कौन सा वहां बैठे बैठे खरोड़ तोड़ने। अर्चना जी फिटिंग सही है? बहुत सही है। झूठा है यार भी, झूठ बोला इसने मुझे। इतनी मीठी मीठी बात कर कर मुझे फंसाया था, मुझसे मेरा नंबर तक लिया था, कहता जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। ओह माय गॉड, मैं लट गई, मैं अबे ओ जल्दी हो गई, क्या पागल हो गया? कस्टमर है मेरा वो। अरे मैं वाटर फिल्टर बेचता हूँ, उसको फिल्टर बेचा था इसलिए मैंने मीठी मीठी बातें करी, उसको अपना नंबर दिया कि खराब हो जाए सर्विस करवाने के लिए मेरे पास आ जाना। मुझे ठीक चाहिए मेरा वाटर फिल्टर अभी के अभी। क्यों भाई? मुझे पानी पीना है। देखो तुम्हारी उम्र के बुड्ढे ना आधी रात को सुसु करने उठते हैं, पानी पीने नहीं उठते। ठीक है जाओ, 2 दिन बाद है ना, जरूरी काम है यहाँ पे। 2 दिन तक चलेगा ये सब? अच्छा कहना मोहब्बत वक्त मांगती है, क्योंकि अगर मोहब्बत को वक्त अच्छे से नहीं देते ना तो बच्चे बड़े नहीं होते, 60 की उम्र के भी 8 के रखते हैं। बेड़ी तुमने मेरी बेइज्जती तो बहुत खूबसूरत की, लेकिन मुझे मेरा वाटर फिल्टर ठीक चाहिए अभी के अभी। चाचा मैंने बोर्डिंग पास बनवा लिया, इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुन ली, मेरे प्लेन को टेक ऑफ करने दो। अरे हो वाली क्या बात है यार, चल भाई आप चाहते हो कि मेरे जैसा टैलेंट दुनिया में और आए, तो इसको मैनेज करो थोड़ी देर के लिए। अरुण भाई आपने फिल्म में वाटर फिल्टर बेचे ना? हाँ जी भाई। हेल्प कर दो यार थोड़ी यार, इतना नहीं कर सकते प्रमोशन के लिए यार। जानू तुम ना अपनी बकवास करते रहो, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो जानू, सुहागरात मेरा स्टैंड अप नहीं है कि मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। बैठो 5 मिनट यहाँ पे, मैं करता हूँ इस बुड्ढे को मैनेज। इधर आ बे, क्या बात है बे? अरे यार वाटर फिल्टर ठीक कर दो, हेमा जी की एड देख कर खरीदा था। तो धर्म जी के पास जा, मेरे सनी बॉबी क्यों डिले कर रहा है? देखो अंकल वाटर फिल्टर के एक्सचेंज में ना हमारे पास एक नई स्कीम आई है, फिल्टर पुराना जो खराब हो गया उसके बदले में हम लोग टीवी दे रहे हैं। ठीक है ये स्मार्ट टीवी, ये नया टीवी ले जाओ, तुम इधर आओ। क्या करूंगा मैं टीवी का? कॉमेडी सर्कस देखना, बलराज का स्टैंड अप आता है उसमें वो देखना। टीवी बेच रहे लालच तो ढंग का बेच। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा वाटर फिल्टर ठीक चाहिए अभी के अभी। अबे क्या अबे, जब से तू आया अभी के अभी बच्चों के जयकांत सिकरे, तेरी सिंगम चल रही यहाँ पे। बेल भाई इसकी हाइट देखो जरा ध्यान से। अर्चना जी मेरी हाइट बोतल से भी छोटी है, मुझे बिल्ली उठा के ले जाती है, मैं जूतों के अंदर सोता हूँ, मेरे से बड़े पेड़ मथुरा में मिलते हैं। तेरे सारे हाइट वाले पंच खत्म हो गए ना? नहीं। नहीं बेटा अभी बाकी है। सुहेल भाई इसको गोद में यहाँ उठा के फोटो खिंचवाना, लगता नहीं फोटो खिंचवाई, लगता है अल्ट्रासाउंड कराया। मैं भी, मैं भी, मैं भी। तेरे से बड़े ना पत्थर फेंकते भारत बंद में लोग। तू चुप रह सफेद लाश। अबे यार इसको कोई भेजो ना यार। मैं मैनेज करता हूँ, अपना वाटर फिल्टर की जगह मेरे से ना डाइपर ले लो। अरे मेरे बच्चे ही नहीं है।
क्यों तेरे सुहागरात में भी किसी बुड्ढे का वाटर फिल्टर खराब हो गया था? मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा तो ये सब तेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है? तभी मैं समझू तेरे को हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ में आ रही। अबे प्रॉब्लम तेरे को मेरी नहीं समझ आ रही, कितने बड़े बड़े वादे किए थे वाटर फिल्टर बेचने से पहले। आप बताओ सुहेल भाई, जब शो साइन करना था कितने बड़े बड़े वादे किए आपसे ऑप्टी वालों ने? इनको बोलते हैं आपको सिंगल डोर वैनिटी मिलेगी। हाँ। जैसे शो साइन कर लिया कैब बुक कर दी, कहते ड्राइवर सो रहा है पिछली सीट पे कपड़े बदल लो। यार मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, तेरे को इतनी कौन सी इमरजेंसी है, तेरे से 10 मिनट वेट नहीं होती, सबर कर ले थोड़ा। नहीं सबर नहीं होता मुझसे, नहीं। वो तो तेरे को देख के लग रहा है कि तेरे में सबर नहीं है। आपको पता है इसके मम्मी पापा की अभी सगाई हुई थी, ये पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ ना वरुण भाई, इतना छोटा था ना, 10 साल बाद 9 महीने का हुआ है। 10 साल बाद 9 महीने। ओह माय गॉड, समय समाप्त की घोषणा। 11 बज गए। हाँ जी, मुहूर्त निकल गया जी। बेबी यस जानू, यस जानू, यस। ये अलादीन की फोटोकॉपी कहाँ से आ गई? अलादीन की फोटोकॉपी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा शादी से पहले भी एक बेटा है? बॉयफ्रेंड हूँ। देख ये बॉयफ्रेंड है। हाँ जी। इसके साथ जाएगी तू? जी। ये जो तू एक खंबे को छोड़ के क्वार्टर के साथ जा रही है ना, तेरा नशा 15 मिनट में ना उतरेगा ना, मेरे को बोलना। अरे खंबे, सोना अगर 100 ग्राम भी हो ना, 100 किलो गोबर से ज्यादा ही महंगा होता, समझा? चल बेबी, चल। अर्शन जी, एक्ट को लेकर कैसा लगा? दिस इज द कैलिबर ऑफ द एक्ट्स ओवर हियर। आपके इतने सारे पंचेस थे और एक के बाद एक इतनी जल्दी में आते हैं कि हंसने का वक्त नहीं मिलता और दूसरा पंच ऑलरेडी फूट रहा होता है। ऑल थ्री ऑफ यू सुपर्बली डन, बहुत अच्छा एक्ट लिखा था और आपने उतना ही अच्छा किया। थैंक यू। सहल जी, ये एक ही शो है जहाँ बिगनिंग से लेके एंड तक आप हंसते हो एंड यू The writers come with unique stuff, unique characters, and it's just so funny. Thank you, Comedy Circus, for giving us this job. Govinda ji. Thanks to Comedy Circus. के ये माहौल देखने मिला, ऐसे एक्ट देखने मिले, और यहाँ से जो मैं एनर्जी लेके निकल रहा हूँ, लाजवाब है. Thank you, sir. Thank you, sir. तो चलिए आइए देखते हैं इस सुहागरात पे पैसों की कितनी बरसात हुई। बलराज, अदिति और दिव्यांश, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 16 हाहाकार और 19 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 3 लाख। थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन सासुर अगर सुरीला हो तो माफ नहीं होती बिसुरे दामाद की भूल। देखते हैं एक बिसुरे दामाद को ससुर देगा अपनी बेटी का हाथ या मरेगा लक। प्लीज वेलकम गौरव एज बॉयफ्रेंड, सना एज गर्लफ्रेंड एंड अभिलाष एज ससुर। अर्चना जी नमस्कार। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है बुड़बुड़ पांडे। ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं पानी में पैदा हुआ था, मेरे मुंह से बुड़बुड़ ही निकला था। मेरे बाबूजी ने कहा अपना नाम बना के रखना, इसलिए अर्चना जी आज भी हमको पानी में डुबोइए, बुड़बुड़ की आवाज आती है, मुंडी भले बाहर रहे। और मैंने अपने बाबूजी की जबान रख ली। सच में अर्चना जी ये देखिए। ए बाबूजी, अर्चना जी को देख के क्यों पानी आ रहा तुम्हारे मुंह में? अब टाइम गया, बुड्ढी हो गई, वो क्या कर रहे हैं आप? आज नेशनल टीवी पे मैं वो करने जा रहा हूं आज तक किसी ने नहीं किया, अपने बाप से जबान लड़ाऊंगा मैं। मैं आपको बता दूं, मैं म्यूजिक खानदान से हूं, मेरे ताऊ जी तानपुरा की वजह से 5 गांव में जाने जाते थे, वो वही एक इकलौते थे जो तानपुरा के नीचे आके पिचक के मरे थे। वैसे मैंने हार नहीं मानी, मैं दिलेर पाजी के पास गया गाना सुनाने के लिए, वो उठ के आए मेरे पास और मुझे 100 रुपया दिया और कहा इसमें 50,000 रुपया जोड़ो और जाके अपना इलाज करवाओ। खैर आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से
मिलने आया हूँ उसके घर पे, उसका हाथ मांगने। अर्चना जी, जब मैंने पहली बार देखी थी ना उसकी कार चमचमाती हुई, मुझे तभी प्यार हो गया था। मैंने कहा अंदर से अनुपम क्यों ना निकले, शादी उसी से करूंगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए नया फोन लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच, कमाल का फोन है। लेकिन फोन क्यों? अरे कल तुमने तो कहा था तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो गई, अब डेड फोन के साथ तुम मुझसे कैसे बात करते, इसलिए मैं नया फोन लेके आई। अरे वाह क्या बात है अर्चना जी, एक तो अमीर गर्लफ्रेंड ऊपर से डम, मेरे तो भाग ही खुल गए। अच्छा ये बताओ कुकी, कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे यार वो मेरे चाचा जी के कार का एक्सीडेंट हो गया था। अरे तू सैड क्यों हो रही हो? कार ना हम नहीं खरीदेंगे, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अरे चिरकुंडी, कार के अंदर मेरे चाचा भी थे। ओह नो। वैसे एक बात बताओ तुमको, इस घर में हम और तुम अकेले हैं, ये पंच और क्यों ये सब क्यों खेल रहे हैं और रोमांस करते हैं? तेरे बाप ने मुझे इधर बुलाया, मैं भाग क्यों रहा हूं? वैसे लपचोथड़ बाप किधर है तुम्हारा? आप सबसे मेरे तालियां खरीदी, हंसो। बलराज, बच्चे आपके लिए, नहीं कुछ खरीदना नहीं है आपसे, आपकी शक्ल देख के तरस आ गया बच्चा। पापा आप जैकेट क्यों उतार रहे हैं? वो बच्चे पैसे की गर्मी है। चाचा जान, अर्चना जी के सामने ऐसे पैसे और चिल्लर मत उठाया करो, समझे? एक बार क्या हुआ, अठन्नी देख के 17वें माले से कूद पड़ी, नीचे आने के बाद मालूम चला गटर का ढक्कन था। मेरे बच्चे, ए बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, कैसा है मेरा बच्चा? पापा यही वो क्यूट लड़का है। पिताजी, है बच्चे, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यहाँ पर आओ बच्चे। जी, हाथी के सूंड में क्या है? घंटा। मिल गया जवाब। ऐसे कैसे पिताजी, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, शादी के बाद कुल्लू मनाली जाएंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे। कुल्लू मनाली ठीक है, हरिद्वार क्यों? इतने अमीर बाप ने अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दिया है, मेरा भी फर्ज बनता है ना कि इनको हरिद्वार लेके जाऊं मटके में। बीवी तो मेरे पापा के बारे में कितनी दूर की सोचते हो। पतली जाबरा, ओ बेटा मेरे बारे में दूर की नहीं सोच रहा है, मेरे एंड की सोच रहा है। मटके में मैं कैसे फिट आऊंगा यार छोटा जिया। चिरकुंडी बता, तू पैदा हुई थी या डमशरा से निकली थी? यार तेरे को कैसे पता है? 1998 की बात है, मैं ऊपर चला जाऊंगा, 4 साल में हद कर रही है यार। अब मेरी बारी। हाँ हम तीनों टाइम वेस्ट हम तीनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाओ। चिरकुंडी कब तक कुछ कुछ होता का खाएगी? एक तो कुछ कुछ होता से दो ही आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाए। एक सेकंड, तू क्या कहना चाह रहा है? इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास टैलेंट नहीं है, कॉमेडी सर्कस नहीं आता, इनको काम नहीं मिलता, 4 साल से ये भुक्की मार रही थी, अपना घर का सामान बेच रही थी, है नहीं है कोई, ये क्या कहना चाहता है तू? चचा सारा तुमने बोल दिया, अब क्या बोलूं? अर्चना जी, यू नो द सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, लेकिन जो इमेजिनेशन से हमारे राइटर्स लिखते हैं उसमें इतना एंटरटेनमेंट होता है, इतना मजा आता है और हंसी आती है। आई थिंक दैट हैपेंस हियर एंड ऑल थ्री ऑफ यू वर लव। सहल जी, यू गाइस हैव बिकम सो इजी विद द फ्लो ऑफ थिंग्स, कुछ भी कॉन्सेप्ट देते हैं, एनी कैरेक्टर्स, एंड यू आर प्लेड विद सो मच ऑफ ईज, इट इज अनबिलीवेबल यार। सो इट्स लवली टू सी यू गाइस लाइक दिस यार, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द राइटर्स एंड यू गाइस। ये देखते हैं कितनी कमाएं की। गौरव, अभिलाष एंड साना, आपको मिलती है 16 मंद मंद हंसी, 22 हाहाकार और 8 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपकी टीम ने कमाए हैं 2,30,000 रुपए। थैंक यू सो मच, यू कैन गो बैक टू योर सीट। तो इंडिया, हमारे जजेस के साथ आज आपने भी खूब जमकर ठहाके लगाए होंगे और प्राइज जीते होंगे। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अर्ज क्या है, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नजर से बचाया करो, सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं,
गाले में नींबू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो।